वहीं दुबई में प्रॉपर्टी को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जहां दुबई में संपत्ति खरीदने वालों में भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा हैं। ये जांच दुबई में उन लोगों पर केंद्रित है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दुनिया भर के लोग दुबई में आकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है दुबई के अनलॉक्ड रिपोर्ट और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फेवरेट जगह क्यों बनी दुबई और यहां प्रॉपर्टी खरीदने के नियम क्या हैं। देखिए रिपोर्ट। दुबई बना काली कमाई को छिपाने का अड्डा। सबसे ज्यादा भारतीयों ने खरीदी संपत्ति। दुबई अनलॉक का बड़ा खुलासा। दुबई का नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी लाइफस्टाइल दिमाग में आती है, लेकिन इन सब के बीच दुबई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि दुबई की प्रॉपर्टी में डर्टी मनी बढ़ता जा रहा है। दरअसल दुबई में रियल एस्टेट के मालिकों से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय जांच दुबई अनलॉक्ड ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर से आने वाला कालाधन दुबई के रियल एस्टेट में डाला जा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट का ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले हर शख्स का पैसा डर्टी मनी है, लेकिन डर्टी मनी की ये पहली पसंद बन गया है। रिपोर्ट में भारत के कुछ बड़े नामों का भी जिक्र है। वहीं अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो यहां के राष्ट्रपति के परिवार और दिवंगत राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की भी संपत्तियां हैं। रिपोर्ट 2020 से 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। आइए रिपोर्ट के मुताबिक समझते हैं कि दुबई अवैध धन को ठिकाने लगाने वालों की पहली पसंद क्यों है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुबई में लोग सिर्फ बिल्डिंग और विला के लिए ही नहीं जाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई भगोड़ों के लिए एक आकर्षक जगह है, क्योंकि प्रत्यर्पण करवा पाना बहुत मुश्किल है। यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय, इसके बाद पाकिस्तानियों की संख्या दूसरे नंबर पर। दुबई अनलॉक्ड के डाटा के मुताबिक 29,700 भारतीयों ने संपत्ति खरीद रखी है। उनके पास कुल 35,000 प्रॉपर्टी है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 17 अरब डॉलर है। 17,000 पाकिस्तानी 23,000 संपत्तियों के मालिक। इस रिपोर्ट में 2020 से 2022 तक के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के परिवार और दिवंगत पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम शामिल। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और उनके परिवार के दुबई में प्रॉपर्टी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके वकीलों के मुताबिक उनके प्रॉपर्टी के बारे में सरकार को जानकारी नहीं। दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि दुबई में संपत्ति खरीदने वालों में भारतीय नागरिक सबसे अधिक है, जिनकी संख्या लगभग 30,000 है। इस रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने 70 से अधिक मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किया है। ये जांच दुबई में उन लोगों पर केंद्रित है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या जिन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुबई में विदेशी नागरिकों के कुल 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है दुबई अनलॉक्ड। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने ये रिपोर्ट की सार्वजनिक, जो दुबई में रियल एस्टेट के मालिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन दुबई अनलॉक्ड पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज C4ADS ने सबसे पहले लीक हुआ डेटा हासिल किया। इसे नॉर्वेजियन वित्तीय आउटलेट E24 और संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के साथ साझा किया गया। दुनिया भर के कई मीडिया आउटलेट के साथ मिलकर इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। OCCRP के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जांच में खुलासा, दुबई के हाउसिंग मार्केट में विदेशी स्वामित्व 2022 में अनुमानित 160 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि कई ऐसे फैक्टर हैं जो अमीर लोगों को दुबई में प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर है
पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जाने वाला प्रतिबंध। अमीरों को पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का डर सताता है, लेकिन दुबई में इस तरह के किसी भी प्रतिबंध का कोई डर नहीं है। इसके अलावा किसी और देश से अगर कोई अपराधी या कोई वित्तीय घोटाला करके कोई शख्स दुबई भागता है तो वहाँ वो सुरक्षित हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया समय तक संयुक्त अरब अमीरात के ज्यादातर देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं रही है, जिसे दुनिया भर के भगोड़ों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया था। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि इन संपत्ति मालिकों को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है, 1 कथित अपराधी, 2 प्रतिबंधों का सामना करने वाले व्यक्ति, 3 दुनिया भर से भ्रष्टाचारी नेता। इस रिपोर्ट में सिर्फ उन संपत्ति मालिकों को शामिल किया गया है जो अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं या आरोपी हैं, प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं या सार्वजनिक अधिकारी या उनके सहयोगी हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपी या तो शामिल हैं या जिन्होंने अपनी संपत्तियों को जनता से छिपा कर रखा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।